हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक 1200 स्क्वायर फुट प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि 30 बाई 40 फीट है। 2 BHK रूम है, किचन, बोथ टॉयलेट है, ड्राइंग डाइनिंग और पूजा रूम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले उसका ड्यूरेशन बता देता हूँ। ये हो गया ईस्ट, वेस्ट हो गया, साउथ, ये हो गया नॉर्थ। ये वास्तु के ऊपर प्लान है। ये थोड़ा ख़त्म हो गया शायद, दूसरा लेता हूँ। ये हो गया 30 बाई 40, फास्ट फूड का प्लान है। 30 बाई 40, बारह सौ स्क्वायर का प्लान है। तो 2 BHK का कॉन्सेप्ट है, ये फास्ट फूड का प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 10 इंच वॉल ड्रा करेंगे। 10 इंच का वॉल, 10 इंच का वॉल पहले ड्रा करेंगे। हो गया आपका 30 बाई 50 का 10 इंच वॉल हो गया। फिर चलते हैं 5 इंच वॉल ड्रा करेंगे। 5 इंच वॉल, ये हो गया आपका 5 इंच वॉल। पाँच इंच का भी हो गया। तो चलिए रूम का डायमेंशन चेक करता हूँ भाई। नहीं, पहले आपको डोर बता देता हूँ। डोर काम आएगा, ये आपका मेन डोर आ जाएगा। मेन डोर, ये आपका पूजा रूम के लिए डोर आएगा। ये आपका मास्टर बेडरूम के लिए डोर आ जाएगा। ये आपका भी मास्टर बेडरूम के लिए डोर आ जाएगा। ये अटैच टॉयलेट डोर 2.5 फिट का, इसमें भी 2.5 फिट का डोर आएगा। ये वाला किचन के लिए डोर रहेगा 3 फिट का। फिर विंडो को बता दो, विंडो कहाँ पे आएगा। विंडो कहाँ पे आएगा बता देता हूँ। ये आपका स्टेयरकेस के लिए विंडो आ जाएगा, वो 3 फिट का। पूजा रूम के लिए है 10 फिट का विंडो। ये मास्टर बेडरूम के लिए वही 4 फिट का विंडो रहेगा। यहाँ पे वेंटिलेटर 2 फिट का रहेगा, उसमें आपका रहेगा 4 फुट का विंडो। ये भी आपका हो गया 4 फुट। ये यूटिलिटी के लिए 3 फिट का विंडो रहेगा। किचन के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 3 फिट का। अपोजिट में देने के लिए, आप देने से आपको अच्छा होगा कुकिंग करने के लिए, जो हवा से आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो हो गया आपका डोर विंडो। रूम का डायमेंशन भी चेक करते हैं। रूम का डायमेंशन, चलिए चलो स्टेयरकेस से स्टार्ट करते हैं। स्टेयरकेस का डायमेंशन ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन,
और ये हो गया वर्टिकल लाइन। स्टेरकेस का मेजरमेंट क्या है? ये हॉरिजेंटली है 17 फुट 11 इंचेस और वर्टिकली है 7 फुट। फिर आते हैं पूजा रूम, ये हॉरिजेंटली है 10 फुट, वर्टिकली है 7 फुट 5 इंच। ओके, फिर आते हैं मास्टर, सॉरी फिर आते हैं मास्टर बेडरूम। ये वाला हो गया आपका मास्टर बेडरूम, ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टली है 14 फुट, वर्टिकली है आपका 11 फुट। फिर आते हैं ड्राइंग डाइनिंग, ड्राइंग डाइनिंग का है ये हो गया हॉरिजॉन्टली और ये हो गया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली है आपका हो गया आपका 14 फुट और वर्टिकली है 22 फुट 5 इंच, जो कि बहुत बड़ा है ड्रॉइंग डाइनिंग के लिए, एक्सेस करने के लिए ईजी रहेगा। फिर आते हैं किचन, किचन है ये आपका जो है किचन का स्लाब, आपका किचन का स्लाब है, प्लेटफॉर्म होता है जो किचन है हॉरिजॉन्टली हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, वही हो गया वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टली आपका 8 फुट 6 इंच, वर्टिकली है 7 फुट 4 इंचेस। ये आते हैं यूटिलिटी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टली आपका 5 फुट, वर्टिकली है 7 फुट 4 इंचेस। ये आते हैं मास्टर बेडरूम, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया आपका, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टली हो गया आपका 14 फुट, वर्टिकल हो गया आपका 11 फुट। यहाँ आते हैं अटैच टॉयलेट में, हो गया हॉरिजॉन्टली और ये हो गया वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली है आपका 5 फुट, वर्टिकली है आपका 7 फुट 8 इंचेस। ये वाला भी एक वो भी अटैच टॉयलेट है, ये भी सेम मेजरमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टली है आपका 5 फिट, वर्टिकली है आपका 7 फुट 8 इंचेस। अब ये वाला आपका जो वॉश बेसिन एरिया है, जो कि आपका रहता है 3 फिट का रहता है, ये वाला यहाँ से 3 फिट का रहता है, 3 फिट में 7 फिट रह जाएगा ये आपका। ये हो गया और विंडो, और कुछ भूल गया हूँ, विंडो यहाँ पे 2 विंडो आ सकते हैं, यहाँ पर 4 फुट का, यहाँ पे भी आपका रहेगा विंडो 4 फुट। ये 1200 स्क्वायर फुट का 2 BHK प्लान है, 2 BHK। तो ये प्लान आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मेरा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।